वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे SBI क्रेडिट कार्ड का KYC रेन्यूअल या अपडेट ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से SBI क्रेडिट कार्ड का KYC रेन्यूअल या अपडेट करेंगे। सबसे पहले आपको SBI क्रेडिट कार्ड का ऐप्स में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप अपना क्रेडिट कार्ड का डैशबोर्ड में आ जाते हैं। इस तरह का आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर व्यू अकाउंट डिटेल्स पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर इस तरह का आ जाएगा, देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ देखिएगा, आपका KYC रेन्यूअल एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह का दिखाएगा KYC रेन्यूअल। अब आपको करना क्या है, यहाँ से सेलेक्ट कार्ड पर क्लिक करना है। सेलेक्ट कार्ड पर क्लिक करते ही इस तरह का आपके पास आ जाएगा, अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि आपका एक पासपोर्ट साइज जो कि 5 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, आप एक पासपोर्ट साइज फोटो खींच कर रख लीजिए मोबाइल पर। उसके बाद इस पर यहाँ पर आप ब्राउज कर यहाँ पर अपलोड करना है। पासपोर्ट फोटो अपलोड होते ही इस तरह का दिखाएगा, देखिए योर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, यानी कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही इस तरह का आ जाएगा, प्लीज कंफर्म योर करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस अवेलेबल इन आवर रिकॉर्ड और मॉडिफाई इन केस रिक्वायर्ड। आपका एड्रेस यहाँ पर शो करेगा, एड्रेस आपके डिटेल्स पूरा यहाँ पर आ जाएगा, स्टेट सिटी नेम पिन कोड। अगर आप चाहते हैं कोई भी करेक्शंस करना तो आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है, या अगर आपका सारे चीज़ करेक्ट है तो आप कंफर्म पर क्लिक कीजिए। कंफर्म पर क्लिक करते हैं इस तरह का आ जाएगा, देख सकते हैं KYC रिन्यूअल। यहाँ पर आप वेरीफाई अपना एड्रेस दो तरह से कर सकते हैं, थ्रो डिजी लॉकर। अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट है तो आप इस पर क्लिक करिए, अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर सबमिटिंग योर KYC डॉक्यूमेंट्स मैनुअली। आप अपना मैनुअली KYC डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्लीज़ पर क्लिक करना है। प्लीज़ क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हैं एक बॉक्स है, उस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह का आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करना है, और एक आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करना है। यहाँ पर सेलेक्ट हेयर पर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट हेयर पर क्लिक करते हैं इस तरह का आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पासपोर्ट देना चाहते हैं तो आपको बोथ साइड पासपोर्ट का लगेगा, वोटर आईडी कार्ड अगर अपलोड करना चाहते हैं तो बोथ साइड वोटर आईडी कार्ड, इसी तरह से आधार कार्ड का भी बोथ साइड, ड्राइविंग लाइसेंस अगर देना चाहते हैं, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है एज अ आईडी प्रूफ और एज अ आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं इस तरह का आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, यहाँ शो करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स, देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ दोनों ही अपलोड हो चुका है। अब उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास एक OTP आएगा, OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पर ही भेजा जाता है। आप उस OTP को यहाँ पर टाइप करना है, अगर OTP नहीं मिलता है तो रीसेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद OTP को है सबमिट करना है। OTP सबमिट करते हैं इस तरह का स्क्रीन पर आ जाता है, रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है KYC रिन्यूअल के लिए या अपडेटेड के जो आप अप्लाई किए हैं ये सक्सेसफुली हो चुका है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका विद इन 10 डेज में आपका KYC अपडेट हो जाता है, उसका आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मैसेज भी आता है। इस तरह से आप अपना KYC रिन्यूअल या अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू।